गाइस वेलकम टू अनलॉक एजुकेशन। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो गाइस आज हम मशीन का टॉपिक उठाएंगे और मशीन में जो सबसे पहले जो टॉपिक है वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है गाइस, सो अब हम ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस करेंगे। ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर हमारे पास एक स्टैटिक डिवाइस होता है विच ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या चेंज नहीं होता है, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे कि ट्रांसफॉर्मर है क्या हमारे पास। हमने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या है कि एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस मीन्स कि इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, ये स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट इट्स चेंज फ्रीक्वेंसी। ये चेंज क्या क्या नहीं करता है, इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। ठीक है, कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ये चेंज नहीं करता है। और क्या चेंज नहीं होता है, इसमें पावर भी हमारा इसमें चेंज नहीं होता, पावर भी हमारा कॉन्स्टेंट है। पावर डज नॉट चेंज। ठीक है, और क्या इसमें फ्लक्स भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, फ्लक्स डजंट चेंज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसको इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस। ये आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमारे पास क्या है कि ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या है कि स्टैटिक डिवाइस है और इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, पावर भी चेंज नहीं होती है और फ्लक्स भी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि हमारे पास जो भी हमारे पास क्या है कि जो हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो रहा है, जो हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है जो सर्किट के साथ लिंक कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल क्या होगा इसका, इसका प्रिंसिपल होगा फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, या म्यूचुअल इंडक्शन भी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें, अगर हम डायग्राम की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर है, यहां ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास क्या है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होगी इसमें हमारे पास और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। ये हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है हमारे पास, ये हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज देते हैं वी वन, तो हमारे पास एक करंट इंड्यूस्ड होता है आई वन। ठीक है, जब हमारे पास करंट इंड्यूस्ड होगा तो हमारे पास जो कोर है, जो हमारे पास कोर है, यहाँ पे क्या होता है कि फ्लक्स बनता है। जब हमारे पास यहाँ पे फ्लक्स बनता है तो वो क्या करता है, लिंक करता है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, जिस जो हमारे पास करंट ईएमएफ इंड्यूस करता है, जो होता है हमारे पास आई टू। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोर होती है। ठीक है, और ये हमारे पास इसकी योक होगी। ओके, ये हमारे पास क्या होती है, योक होती है, और ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स बनेगा। जब फ्लक्स बनेगा तो हमारे पास क्या होगी, फ्लक्स जनरेट करेगा और जिससे हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग लिंक होगी।
आपने एक चीज याद रखना है कि हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग क्या होती है कि मैग्नेटिक लिंक होती है, कभी भी इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का निग्लिजिबल होता है, ठीक है। अगर हम कोर की प्रॉपर्टी की बात करें कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में जो कोर की प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है कि हमारे पास इसमें क्या होना चाहिए, लो रिलक्टेंस होना चाहिए और हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम कोर की बात करें तो कोर में क्या होना चाहिए हमारे पास, लो रिलक्टेंस होना चाहिए, लो रिलक्टेंस एंड हाई परमिए बिलिटी, ओके। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, लो रिलेक्टेंस होना चाहिए और हाई परमिबिलिटी होनी चाहिए। लो रिलेक्टेंस का मतलब है कि हमारे पास, फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में अगर हम क्या करेंगे करंट को फ्लो करवा रहे हैं, तो अगर हमारे पास उसमें रेजिस्टेंस होगा तो प्रॉपर करंट हमारा क्या होगा, कंडक्टर में फ्लो नहीं कर पाएगा। सो इस वजह से हमारे पास क्या है कि जिस हिसाब से हमारे पास ईएमएफ के केस में रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है, वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में रिलक्टेंस होता है, वो क्या करता है कि वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन को अपोज करता है, ठीक है। अब कोर होता है, जो कोर होता है, कोर में आपने एक चीज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोर में जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, जिसको हम बी मैक्स से लिखते हैं, ये होती है हमारे पास हमेशा 1.5 to 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ठीक है। इसको याद रखना है आपने, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास पूछा जाता है, ओके। तो ये हमारे पास बहुत बारी पूछा गया कि ट्रांसफॉर्मर हमारा कैसा स्टैटिक डिवाइस है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, एचपीजीई में 2 बारी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम बात करें कोर का भी, हमारे पास की कोर, हमारे पास जब हम कोर को डिजाइन करें तो उसके क्या क्या होगी, इसकी लोअर रिलक्टेंस होना चाहिए ताकि हमारे पास जो प्राइमरी में जो हमारे पास फ्लक्स बन रहा हो, जो सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा हो, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है और हमारा आई टू करंट बन रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ई1 होगा, यहाँ पे हमारे पास ई2 होगा, जो हमारे पास वोल्टेज इधर है हमारे पास, इसको ई1 और ई2 से हम शो करेगी, ओके। क्योंकि हमारे पास जब आइडियल कंडीशन में पड़े तो हमारे पास क्या क्या होता है, क्या क्या नो लोड कंडीशन में पड़ेगी तो हमारे पास कैसे कैसे क्या क्या सॉल्व होगा, ओके। तो ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर एसी पर ही वर्क क्यों करता है, डीसी पे वर्क क्यों नहीं करता। सो मैं आपका ये डाउट भी यहाँ क्लियर करता हूँ। क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर हमारे पास, कि अगर हम बात करें कि अगर हम किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो कर रहे हैं तो क्या करता है, करंट या मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, ठीक है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है तो हमारे पास क्या होगा कि इसमें जो पोल्स होते हैं हमारे पास, वो चेंज करेगा, क्योंकि हमारे पास एसी में क्या होता है कि जब हम, हमारे पास वेव फॉर्म होती है तो कैसी होती है, यूं होती है। अगर हम पोल्स की बात करें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें, तो हमारे पास क्या होगा कि ये चेंज होते रहेगा। अगर हम कंडक्टर के बीच में रखें तो हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, मतलब चेंज होता रहेगा, ठीक है। बट अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी में हमारे पास क्या होता है कि कॉन्स्टेंट होता है, जिस वजह से हमारे पास, अगर हम स्टार्टिंग में सप्लाई देंगे तो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग यो बर्न हो जाएगा। ये क्वेश्चन जेई में हमारा एचपीजी में आ चुका है, ओके। ये तो थी हमारी किसकी बात, कि हमने ट्रांसफॉर्मर के मेन मेन जो पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास क्या होता है, कि अगर कंस्ट्रक्शन की बेस की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर हमारे पास 2 टाइप का होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, और अगर हम स्टेप डाउन की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। अगर हम क्या करता है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि लॉसेज होती है हमारे पास, कि ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास कितने टाइप की लॉसेज होती है, और हम लॉसेज को डिस्कस करेंगे कि लॉसेज का क्या क्या इफेक्ट होता है और लॉसेज कितने टाइप की होती है ट्रांसफॉर्मर में। बात करेंगे लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, तो हमारे पास कितने टाइप की लॉसेज होती है, 2 टाइप की लॉसेज होती है, एक आयरन लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। आयरन लॉस को हम और क्या बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं, उसको कॉन्स्टेंट लॉस बोलते हैं। जो हमारे पास कॉपर लॉस होता है उसको ओमिक लॉस बोलते हैं और वेरिएबल लॉसेज बोलते हैं। जो हमारे पास आयरन लॉसेज होती है फर्दर 2 टाइप की होती है, उसमें क्या होता है कि जब भी हमारा ट्रांसफॉर्म ऑन लोड या नो लोड कंडीशन पे होता है तो उसमें फ्लक्स होता है वो क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो हमारे पास कौन सी लॉसेज होती है, आयरन लॉसेज। तो आयरन लॉसेज हमारे पास कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, एडिकट लॉसेज होती है, हिस्टेरेसिस लॉसेज होती है, ठीक है, और हम कॉपर लॉसेज भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 टाइप की लॉसेज है, एक है आयरन लॉस और दूसरा है कॉपर लॉस, ठीक है। अगर हम आयरन लॉस की बात करें तो हमने क्या बोला, इसको हम क्या बोलेंगे, कोर लॉस भी बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट लॉस भी बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, ओमिक लॉसेस बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल
लॉस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें आयरन लॉस की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि आयरन लॉस हमारे पास फर्दर टू टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास एडी करंट लॉस, और दूसरा होता है हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, जो हमारे पास एडी करंट लॉस होता है उसको हम पीई से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास किस पे डिपेंड करता है? बी मैक्स के स्केयर पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के स्केयर पे डिपेंड करता है, थिकनेस के स्केयर पे डिपेंड करता है, और ये हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि जो एडी करंट लॉस होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है? वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। और इस लॉसेस को रिड्यूस करने के हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफॉर्मर की लेमिनेशन होती है उसको हम क्या करते हैं? थिन करते हैं। तो उससे क्या होगा कि थिन लेमिनेशन हमारा क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगी हमारे पास? रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि उसमें आपको ये चीज बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखनी की एग्जामिनेशन पॉइंट है वो इससे पूछी जाती है, और ये जेई में पूछा गया है, एचपी जेई में पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है ये फॉर्मूला, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अगर हम बात करें हिस्टेरेसिस लॉस की, तो हिस्टेरेसिस लॉस में हमारे पास क्या होता है कि हिस्टेरेसिस लॉस को हम पीएच से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी होती है कितनी होती है? 1.6 होती है, और इसमें हमारे पास क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक है, इसमें थिकनेस नहीं होती है। ओके, अगर हम बात करें तो हिस्टेरेसिस लॉसेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है? हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, स्केयर में स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? सिलिकन मटेरियल का यूज करते हैं, सिलिकन मटेरियल का यूज करते हैं, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉसेस। ठीक है, अब अगर हम कॉपर लॉसेस की बात करें तो कॉपर लॉसेस क्या होती है हमारे पास? ये लोड के साथ वेरी करती है, तो ये हमारे पास क्या होती है? वेरिएबल लॉसेस होती है। और एक चीज क्या होती है इसमें, और अगर हम बात करें आयरन लॉसेस में, ये कहाँ कहाँ फाइंड करते हैं आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस को कहाँ कहाँ फाइंड करते हैं? तो ये हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दो टाइप के लॉसेस एक और होते हैं, बहुत ही ज्यादा निग्लिजिबल होते हैं, आपको शायद पता हो कि हमारे पास सब एक होता है हमारे पास स्ट्रे लॉस, और दूसरा होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक लॉस। डाइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक है, ये आप मतलब की नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कि जो हमारे पास स्ट्रे लॉस होता है कि जब भी हमारा ट्रांसफॉर्म होता है स्मॉल टाइप के ट्रांसफॉर्म, जब इसमें एडिकरेंट राइज होता है तो हमारे पास क्या होगा? एडिकरेंट लॉसेज राइज होता है, तो हमारे पास कौन से लॉसेज आते हैं? स्ट्रे लॉसेज आते हैं। अगर हम डाइलेक्ट्रिक लॉसेस की बात करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हमारे पास कहाँ आते हैं? जब ट्रांसफॉर्मर में इंसुलेशन होता है तो इंसुलेशन की वजह से हमारे पास कौन से लॉसेस आते हैं? डाइलेक्ट्रिक लॉस आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में, बात करेंगे रेटिंग के बाद बात करेगी ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग हमारे में केवीए में क्यों होती है, केडब्ल्यू में क्यों नहीं होती है, फिर आगे डिस्कस करेगी टेस्ट के बारे में डिस्कस करेगी। अगर आपको आपको मतलब की मटेरियल मिलते रहेगा आगे, तो सो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।